इस बच्ची को मारा गया है जो कि बाल को पकड़ करके घसीट करके मारा गया और इसको अभी सलाइन हो रहा है। जबकि पहले मारा था कोनी लेके फिर बाल हिंच के मारने लगा, इसके बाद फिर से लाठी लेके मारने, लाठी टूट गया तब फिर से कोनी लेके मारने लगा। तो आने देख ले हाँ। कील के मार ले कोनी लेके की पकड़ ले घर भर तो बाल पकड़ी खींची खींची का मारला। अब मैं आपको इस बच्ची से अवगत कराता हूँ जिसको मारा गया है। बाल पकड़ के मारा गया है, डंडा टूट गया तो क्यों नहीं से मारा गया? डंडा तो हाथ में था ही नहीं। देखो बच्ची झूठ मत बोलो, डंडा हाथ में था? डंडा था हाथ में? हाँ, पतला था, कच्चा करची। नमस्कार, मैं वारियन, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अभी हम खड़े हैं महेशखोर के मध्य विद्यालय महेशखोर में खड़े हैं, जहाँ पे बच्ची को पीटा गया था। आरोप लगाया गया था कि सर उसको डंडे से पीटे हैं, इसके बाद बाल पकड़ के खींचे और केहूनी से मारे। वो उठ नहीं पा रही थी, कमर में उसका बेल्ट लगा था और पानी और सलाइन चढ़ रहा था। कहाँ तक ये कितना सच्चाई बात है, यहाँ के टीचरों से हम जानेंगे। क्या सर, क्या क्या सच्चाई है इसका? सच्चाई तो प्रार्थना के समय दो बच्ची आपस में झगड़ा करने लगी। हाँ हाँ। इसी पे शिक्षा को एक दो अथि दिए, एक दो चमेटा। तो बच्ची जो है पता नहीं कि वो सुनती है कि मिर्गी वगैरह पेशेंट कौन चिका है, कमजोर भी थी और खा के भी नहीं आई थी। इस विद्यालय जो है जो भोजन होता है करके भी आई नहीं थी। और यहाँ से बच्चे सर, से पूछा जाए हकीकत क्या था सर, ये बताइए। हम लोग तो मान लीजिए कहिएगा कि सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। सर आप ये बताइए सर, अगर एक दो थाप लगा होता तो बच्ची के पेट में बेल्ट क्यों लगता सर? बेल्ट उसको लगाया था, गया था डॉक्टर के थ्रू, रेफर भी करने का बात किया जा रहा था जहाँ तक मेरे संज्ञान में है। क्या ये क्या मैटर था, पेट में बेल्ट लगाया गया था, उठ नहीं पा रही थी, वो कमजोर बच्ची थी। तो सर केहूनी से मारा गया पीठ में बताया जा रहा था? नहीं, हम लोग तो नहीं देखे केहूनी से मारा गया है, बाल घसीट के मारा गया था। ऐसा बच्चा भी तो है, बच्चा बताया गया नहीं। सुभाष सर मारा था? सुभाष सर मारे थे? जोर से बोलो, सुभाष सर मारे थे। कितना मारे थे हमको पता रहा है, खाली मारे थे, हम देखे थे। अच्छा, बाल पकड़ के मारे थे सर? बाल पकड़ के मारे थे? जोर से बोलो। देख लीजिए बच्चा सब सही बोल रहा है कि बाल पकड़ के मारे थे, अभी सर बोल रहे हैं कि नहीं मारे थे। छोटी ये बताओ, तुम्हारी बहन लगेगी ना, उसको बाल पकड़ के मारा गया था? हाँ सर। ए, चुप रहो, चुप। ए, सुनो, उसको बाल पकड़ के मारा गया था? हाँ सर। जोर से बोलो ना। हाँ सर। देख लीजिए ये भी कर रही, बाल पकड़ के मारा गया था और डंटा से ही मारा गया था? नहीं देखे थे, डंटा से नहीं देखे थे। और केहूनी से मारा गया था बताया? देखिए बाकी जो बच्चे बता रहे हैं कहीं ना कहीं सच बता रहे हैं। सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, बच्चे बोलने से डर रहे हैं ठीक है? दो तीन बच्चे का बयान है, बच्चे डरेगा क्या है? सुनिए सर, दो तीन बच्चे का बयान है, अभी का बता रहे हैं हम कि उसको कोहनी से मारा गया था, बाल पकड़ के मारा गया। दो तीन बच्चे का अभी का बयान है कि बाल पकड़ के मारा गया था। क्या सर सच्चाई कहाँ तक है बताइए? देखिए उस समय हम लोग थे नहीं। हाँ हाँ, इस बरांडे पे जो है दो एक टीचर थे, उस बरांडे पे भी टीचर थे, उस बरांडे पे सब बरांडे पे प्रार्थना होती है, एक जगह प्रार्थना होती नहीं है। हम लोग उस बरांडे पे थे। अच्छा, यहाँ इस बरांडे पे हुआ था वैसा, इस बरांडे का मामला सर। जो बच्चा कह रहा है कि बाल पकड़ के मारा गया, सही बात है? बस इतना बताइए सर, बाल पकड़ के मारा नहीं गया था, प्रार्थना के समय। आप ही के बात पर अगर हम आते हैं तो आप कहे बच्चे से पूछ लिए सच्चाई बताएगा, बच्चा बता रहा है कि बाल पकड़ के मारा गया था, घसीट के मारा गया था। कौन बच्चा मैंने बताया कि घसीट के मारा गया है? आप वीडियो में देखिएगा ना, सुनिए आप वीडियो में देखिएगा ना, पता चल जाएगा आपको कौन बोला है। अभी अभी इधर का ही बच्चा बताया ठीक है, कहाँ तक सर सच्चाई है? ऐसा तो नहीं है, उसकी माँ जो पहले वो जो लड़का है उस साजिश है वो लोग का कि वो सर को फंसाया जाए। वो एक दिन आई थी झगड़ने के लिए, माँ आई थी, जो लड़का है ऐसा अगवाई कर रहा है, ऐसा कहा जाए अगवाई करने वाला। सर का नाम क्या है, नाम बताइएगा सर का? उस सुभाष चंद्र सिंह है। अच्छा, सुभाष चंद्र सिंह जी जो मारे थे उनपे, उनके ऊपर आरोप एक और है, इससे पहले भी ये घटना हो चुका है, और भी बच्चों को मारे हैं वो, सही बात है? वो इसके पहले जो घटने की बात कर रही ना आप, वो जो बच्चा जो है ना वहाँ गया था टिफिन के समय खेलने, आम के पेड़ पे, और वो वहीं से गिर गया था। ये सारे बच्चे को किसी को भी जो ना पूछ सकते हैं आप। हाँ, बदले में क्या हुआ कि उनको जो ना दंड लगाया गया। हाँ, सारे बच्चे जानते हैं वो। अच्छा सर, एक बात बताइए सर, जो जैसे वो मारे
बच्ची को नहीं मारना चाहिए कि नहीं, आप दिल से अगर बताइए सर। देखिए यहाँ इतने सारे बच्चे हैं सर, बस एक ही बात सर, दिल से बताइए मारना चाहिए अगर आपका बच्चा। एक बात बताइए कि शिक्षक जो है ना बच्चे का दुश्मन है। नहीं नहीं, हम जो बता रहे हैं अगर आपका बच्चा होता सर उस तरह कोई मारे कैसा लगता आपको? वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहना है कि आप भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, क्या बच्चे को अच्छा दुश्मनी होता है किसी बच्चे को शिक्षक से प्रति? सर मेरा सवाल वही है कि अगर आपका बच्चा होता अगर उस तरह मारा आता तो कैसा लगता सर, ये बताइए। वो तो उतना तो मारा, इतना कैसे मीडिया आप लोग कहते हैं कि इतना घसीट के मारा है, ये तो सच्चाई नहीं है। हमारे पास जो घसीट के मारा है, हमारे पास जो 3 मिनट का फुटेज है जिसमें बच्ची सोई हुई है उसमें साफ साफ वो बात सही है। गए भी थे, उसमें साफ सलाइन वगैरह हुआ है, कमजोरी के कारण उसको सलाइन कराया गया है ना, उसमें साफ साफ वीडियो में साफ सारा बच्चा बयान दिया है कि सर उसको डंडा से मारे हैं, घसीट के मारे हैं, बाल पकड़ के मारे हैं और केवनी से भी मारे हैं। नहीं वो तो हम उस बरांडे पे थे तो उतना हमको, इस बरांडे का मामला है तो नहीं। अच्छा सर अभी है जो जिनके साथ घटना ये हुआ था? वही है, बैठक हो रही है, ग्रामीण बैठक जो है उसी मैटर पे, ग्रामीण बैठक हेडमास्टर साहब वही बैठक में गए हैं। आप साइड जाकर पूछे ना, अभी बयान देखिएगा, चार चार बयान लिए जो बोला के मारा गया है वीडियो में, हम झूठ नहीं बोलते हैं, वीडियो में चार चार बयान है। सर कम से कम एक्सेप्ट कीजिए, गलती हुआ आपसे नहीं होगा, ये चीज़ बोलिए गलती हुआ सर से अब नहीं होगा, घुमाने से कोई फायदा नहीं, 10 मीडिया और आ जाएगा। गलती घुमाने से फायदा है सर, घुमाने से फायदा है। देखे ही नहीं है तो क्या बोलेंगे है? हम लोग जब देखे ही नहीं, सब अलग अलग जगह रहते हैं। सर का नाम क्या था? सुभाष। देखिए अभी जो सुभाष सर हैं वो जो है ना मतलब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाकी जो कार्यरत पे जो टीचर हैं उनसे हमारा बात हुआ और ये बता रहे हैं कि नहीं मारा गया है, कम मारा गया, मतलब घसीट के नहीं मारा गया है। और बच्चे का क्या नाम है कि मारा गया है लाठी से भी मारा गया है और केहनी से भी मारा गया, बाल पकड़ के मारा गया। अब कहाँ तक सच्चाई है? उसकी बहन यहाँ पे है, उसकी बहन से हम बात करेंगे, उसकी बहन यहाँ पे है। एक सेकेंड हट जाओ थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे इधर आ जाओ। क्या क्या हुआ था सच बताना, जोर से बोलो। पहले एक बोगी था पर था ना खत्म हुआ ना तो लाइन में लगने लगा, नदियाँ लगने हाँ। फिर मारने लगा उसको मेरी बहन को, टीचर को बोली, टीचर बोली मारने दो, बोगी सबसे काए भी रही है हाँ। तब फिर से मारने लगा टीचर गई तो मेरी बहन मारी ना उसको, तो मैं सर देख लिया और मारने लगा उसको। अच्छा महेश सर कैसे कैसे मारा था ये बताओ? पहले मारा था कोनी लेके फिर बाल हिंच के मारने लगा, इसके बाद फिर से लाठी लेके मारने, लाठी टूट गया तब फिर से कोहनी लेके मारने लगा। देख लीजिए जो बच्ची कर रही है कि पहले लाठी लेके मारा, जब लाठी टूट गया तब कोहनी से मारा और बाल पकड़ के मारा था ना? हाँ, भागने लगा तब बाल पकड़ के मारा था। सर एक मिनट आइए सर, देखिए बच्ची इसकी बहन है क्या कर रही है, इसकी बहन है, देखिए क्या कर रही है, बाल पकड़ के मारा गया, घसीट के मारा गया, ये कह रही है, देखिए उसकी बहन है ये। क्या क्या हुआ था? पहले एक बोगी था, बोगी ने लाइन में लग, प्रिंसिपल सर है सर आप है? प्रिंसिपल सर है आप हाँ। जिस बच्ची के साथ ये घटना हुआ उसकी बहन भी यहाँ पे हैं और इस स्कूल के प्रिंसिपल सर भी हैं। प्रिंसिपल सर अभी मीटिंग में गए थे लेकिन अभी आ गए, बहुत बहुत आभार, इनसे हम बात करेंगे ठीक है। सर क्या घटना हुआ था? घटना शनिवार का है, 11/9/2022 का, मतलब प्रार्थना के समय में, मतलब कि बच्ची लोग लाइन में लगी हुई थी, प्रार्थना मतलब हो रहा था उन्हीं। सर सीधा सवाल सर, उसको सर मारा गया है ना टीचर के द्वारा? नहीं सुनिए ना भाई, तो दो बच्ची झगड़ रही थी, दो बच्ची झगड़ने के बाद जो है मतलब कि सर जो गए दोनों को जो दरकिनार किए उसी क्रम में बच्ची गिर गई और मतलब कि थोड़ा सा चोट वोट लग गया और इसी। सर कहा जा रहा है सीधा सवाल, हाँ, सर कहा जा रहा है कि बाल पकड़ के मारा गया है, डंडा टूट गया तो क्यों नहीं से मारा गया? डंडा तो हाथ में था ही नहीं, देखो बच्ची झूठ मत बोलो, डंडा हाथ में था? डंडा था हाथ में? हाँ पतला था, कच्चा करची था और करची टूट गया, इसके बाद सर कैसे मारा? कोहनी लेके मारा था। कोहनी लेके मारे थे और हाथ लेके? यदि आप इस तरह का मतलब कि मास्टर पे एलिगेशन लगाए हैं तो सच्चाई है तो बोलिए, उसी पर मतलब चर्चा होती है। हम लोगों में जो है बोला कि नहीं इस तरह का नहीं है सर, मतलब कि मतलब कोई बात नहीं है उसका। सर इसकी बहन जो बता रही है सर ये झूठ नहीं बोलेगी सर, बच्ची अभी 10 साल की भी नहीं होगी। अच्छा ये बताओ मारा क्या था उसको ना? हाँ। मारने के समय बेहोश भी हो गई थी? अभी अभी पहले दांती सब लग रहा था। अच्छा अभी अभी कैसी तुम्हारी बहन? अभी बैठ नहीं सकता है उठ के। अच्छा उठ के नहीं बैठ पा रही है, देख लीजिए घटना से 2 दिन हो गया अभी तक इसकी बहन उठ के नहीं बैठ पा रही है। इसकी बहन बता रही है क्या घटना हुआ और टीचर कहीं ना कहीं इस बात को छिपा रहे थे और दबा रहे थे, सर कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे थे सर, वो तो बोले मार ही नहीं लगा पहली बार सर, नहीं था जब मार रहा था तो। अच्छा जो जो मारे थे अभी सर वो आ रहे हैं स्कूल में है अभी?
थोड़ा सा सर सर से बात करवा दीजिए बस। सर उस बच्ची को क्यों मारे थे सर आप? हम मारे नहीं हैं बच्ची को। हाँ। प्रार्थना के समय में दो बच्ची आपस में लड़ रही थी, उसी को छुड़ाए, है ना? सर बच्ची का बहन का अभी जो इल्जाम आपके ऊपर लग रहा है, वो कह रही है क्या कि डंडा से मारा गया, डंडा टूट गया, इसके बाद बाल घसीट बाल पकड़ के मारा गया, इसके बाद कोहनी से मारा गया, कहाँ तक सच्चाई है सर? अब हम क्या कहें, हम तो नहीं मारे सर। तो बच्चा सारा कह रहा है कि मारे हैं सर, क्या कहें, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। देख लीजिए सर, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, बाकी जो सच्चाई है वो वीडियो में जो बयान है, बयान से आप समझ ही सकते हैं क्या सच्चाई है। जो सर मारे हैं ये बोल रहे हैं कि इसको हम नहीं मारे हैं, क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई है? पहले मारा था। हाँ, इसके बाद मारा था, पहले मारा था कोनी लेके, लाठी टूट गया, फिर से मारने लगा कोनी लेके, भागने लगा तब बाल पकड़। यही कह रही कि लाठी टूट गया फिर कोनी से मारने लगे सर। अब हम क्या कहें, हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, लाठी से हम मार सकते हैं, है देखिए हम आपको दिखाते हैं। ठीक है सर, हो गया हो गया। बाकी इस वीडियो में जो बच्चे बोल रहे थे, जो सर बोल रहे थे, कितना सच्चाई है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।